गाइस मुझे पता चला है बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। देखो समझ जाओ, मैं पहली बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं इससे ज्यादा खतरनाक पूरे कर दूँ लग गई यार बहुत करने वाली। चल आज के बाद कभी करूँगा नहीं। गाइस कैसे हो सब लोग, आज वापस से खेलने वाले न्यू गेम जिसका नाम है सुपर मार्केट। तो बेसिकली गाइस ये गेम ना एक पीसी वाला गेम है जिसको मैं फोन पे लाया, मतलब मैं नहीं लाया, प्ले स्टोर वाले लाए, मेरी रिक्वेस्ट पे लाया। मैंने बोला सुपर मार्केट लाओ तुम फोन के अंदर, उन्होंने बोला प्रणव भाई आपने बोला ना हम लाएंगे। तो देखो फाइनली वो लिया है और ये गेम ना बहुत प्यारा है, एक बार ट्राई कर लेना, एकदम पीसी वाले ग्राफिक लगेंगे। और इस गेम के अंदर अपन एम्प्लॉय भी हायर कर सकते हो, बहुत सारे एम्प्लॉय। तो फटाफट से इस गेम के अंदर चलते, पैसा कमाते, एम्प्लॉय हायर करते और अपनी दुकान को बढ़ाते हैं। तो फटाफट से चलते गेम के अंदर। ओ राइट गाइस, तो मैं यहां पे आ चुका हूं अपने गेम के अंदर और सामने सुपर स्टोर लिखा हुआ आ चुका है, यानी यही है मेरी शॉप। और भाई मेरी शॉप ना एकदम मार्केट वाले एरिया में, देखो यहां पे पब्लिक भी गुजर रही है, यानी बहुत प्यारा एरिया है। और भाई ये कार भी मेरे को दे रखी है क्या इन्होंने, चला सकता हूं क्या मैं? नहीं यार भाई, कार सिर्फ दिखावे के लिए देके रखी है। और ये कार के अंदर कोई सामान भी है, टैप ऑब्जेक्ट टू पिकअप। अच्छा गाइस इन्होंने मुझे कुछ देके रखा है, क्या पता भाई कुछ फ्री का आइटम दे दे क्या भाई इसके अंदर। उठाओ एप्पल, गाइस इसके अंदर एप्पल है भाई, एक नंबर है यार ये गेम वाले, एप्पल दिए इन्होंने मेरे को। तो भी अपन इस एप्पल को लेके जाते हैं। और वैसे गाइस ये रही अपनी शॉप जो कि अच्छी खासी लग रही है। और यहाँ पे गाइस एक दो रैक भी रखी हुई है, यानी मेरे को नहीं लगानी पड़ेगी, इन्होंने मेरे को एक आध रैक भी फ्री दी है। तो अपन इसके अंदर ये एप्पल रख देते हैं, प्लेस द प्रोडक्ट ऑन द वेजिटेबल रैक। ओके तो भाई अपन इसको रख देते हैं, मतलब सबको साथ में रख देते हैं फटाफट से। ठीक है तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अपन ने सबको रख दिया। और वैसे भाई ये डब्बा कहाँ फेंकूँ, अरे ये डब्बा फेंकने के लिए डस्टबिन कहाँ चाहिए रहा गाइस, इसके अंदर अपन फेंक देते हैं थ्रो। अरे भाई गलत जगह थ्रो कर दिया यार, डस्टबिन के अंदर डालना भाई, रोड सोच रहना चाहिए। ठीक है इसको वापस से उठाता हूँ मैं, उठा लिया। इसको कैसे डालूँ इसके अंदर, थ्रो एम्प्टी बॉक्सेस टू द ट्रैश, कैसे डालूँ, चले जा यार क्या नाटक कर रहा भाई। ये काम करता हूँ थ्रो ही कर देता हूँ। हाँ ओके, अपन इसके ऊपर फेंकेंगे ना तो अंदर जाएगा, चलो बढ़िया कुछ तो आ गया अपने को। तो भाई अपन ये काम करते हैं फटाफट से अंदर चलते हैं। और ये क्या बोल रहा है, टैप द बैंडेज ऑन द शेल्फ सेट द प्राइस। ओके ये जो अपन एप्पल रखे ना इसका प्राइस भी तो सेट करेंगे, तभी तो पब्लिक आगे खरीदेगी, बिन प्राइस की कैसे खरीदेगी। तो भाई अपन इसका प्राइस सेट कर देते हैं, कितना अभी इसका है $0.29। नहीं भाई मैं मेरे हिसाब से सेट करूंगा। तो भाई अपन इसका प्राइस सेट कर देते हैं। देखो अपन ने इसको खरीदा था, मतलब मैंने तो नहीं खरीदा, एक गेम वालों ने फ्री में दिया, लेकिन इन गेम वालों को पड़ा $0.23 का। तो भाई अपन इसको बेचेंगे $2 में, ठीक है $2 में अपन इनको बेचेंगे। तो यहाँ पे सेट कर देते हैं $2। अरे एकदम करेक्ट दो करना है मेरे को, करेक्ट दो, करेक्ट दो हो जा भाई। ठीक है यहाँ पे अपन ने करेक्ट $2 कर दिया है। ओके तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट भी लिखा हुआ आ रहा है नीचे, 1.77 का प्रॉफिट होगा भाई, बढ़िया चलो ठीक है। ओके तो गाइस यहाँ पे अपन ने प्राइस सेट कर दिया है, बस अपन अपने कर देते हैं शॉप ओपन ताकि कस्टमर आ सके। ओके तो गाइस यहाँ पे अपन ने अपनी शॉप कर दी ओपन, बस यहाँ पे कस्टमर आएंगे। वैसे भाई एक आ भी गई है, आओ आओ खरीदो एप्पल, एक दर्जन खरीद लो। वैसे एक ही खरीदा, ओए भाई ये क्या बदतमीजी, एक एप्पल खरीद लिए यार, चलो छोड़ो। वैसे गाइस यहाँ पे अपने को खड़ा होना है, ठीक है अरे खड़ा होंगे चलो ठीक है, यहाँ पे अपन खड़ा होगा। अब अपन इस एप्पल को स्कैन कर लेते हैं, ठीक है गाइस यहाँ पे अपन ने एप्पल को स्कैन कर लिया। अब अपन को इससे पैसे लेने हैं, तो पैसे ले लेते ला दे, ठीक है गाइस पैसे ले लिए। इसने मेरे को दिए $2, तो मेरे को इसको कितने देना है, कीप द चेंज। अरे $2 दिए ना, तो मैं इसको चेंज क्यों दूँ भाई, क्या बदतमीजी है। ओके चेंज नहीं देना था, मैंने बस ओके कर दिया तो हो गया, चलो बढ़िया। तो भी अपन बाकी के भी एप्पल स्कैन कर लेते हैं, दोनों एप्पल अपन ने स्कैन कर दिए। और वैसे भाई क्रेडिट कार्ड दे रही क्या, ला दे, ठीक है गाइस ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी दिया इसने दे दिया, $4 का इसका प्राइस है। तो यहाँ पर $4 करके ओके कर देते हैं, डन। तो गाइस एक और का अपने ऑर्डर दे दिया और ये अपने को वापस क्रेडिट कार्ड दे रहा है $2। ओके ठीक है तू भी जा बता कैसे लेगी, कैश देगी क्रेडिट कार्ड, अच्छा ये तो कैश ही दे रही है $4। तो कितना देना है चेंज, नहीं देना ना, ओके। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टमर आए जा रहे, मेरे सारे एप्पल बिक जाएंगे ऐसा लग रहा है मेरे को। और वैसे गाइस यहाँ पे एक कस्टमर आया जिसने मेरे को $30 दिए, लेकिन इसने खरीदा सिर्फ $4 का सामान है, इसको $26 अपने को देना है। तो एक बार 20 देते हैं, फिर 5 देते हैं, फिर 1 दे देते हैं, ठीक है ओके। तो गाइस अपन ने इसको चेंज दे दिया। और वैसे एक और कस्टमर आया, क्या चाहिए इसको, अच्छा मतलब एप्पल दे दिया अपन ने उसको, ये अपने को डेबिट कार्ड दिखा रहा है, इसको $2 करके ओके। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अपना एक दिन भी खत्म हो चुका है और अपने सारे के सारे एप्पल बिक चुके हैं मेरे हिसाब से। हाँ देखो यहाँ पे अपन ने रैक में सारे एप्पल रखे थे वो सब बिक चुके हैं और मेरे पास अभी हो चुके हैं $58।
भाई सिर्फ नुआ एप्पल से मेरे को $58 मिल गए। अब मैं देखता हूँ इन $58 में मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो भाई अपन कंप्यूटर में चल के देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टोर है, मैनेज है और बैंक है, तीन चीज़ें। और मैनेज में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, लाइसेंस ले सकता हूँ, ग्रोथ कर सकता हूँ, सर्विस में यानी एम्प्लॉय हायर कर सकता हूँ, और आइटम्स में क्या है, मॉप। अच्छा, साफ सफाई का होगा ये। और वैसे भाई यहाँ पे प्रोडक्ट में देखो कितने सारे प्रोडक्ट है, फर्नीचर में यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के फर्नीचर है, शेल्फ है, फ्रिज है, भाई बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये सारी हाई प्राइस की है। तो भाई तो अपन सीधे प्रोडक्ट मंगवा लेते क्योंकि अपनी अपने शॉप में एक भी प्रोडक्ट नहीं है। तो अभी अपन एक काम करते हैं, अभी अपन रेड एप्पल का ऑर्डर देते हैं क्योंकि रेड एप्पल की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बाय। ओके गाइस, $2.07 का अपन ने ऑर्डर दिया है। और वैसे ऑर्डर कहाँ आएगा भाई, दुकान के बाहर आएगा क्या? हाँ गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो दुकान के बाहर आ गया। इसको उठाते हैं और इसको फटाफट से सजा देते हैं। लो भाई, इसको सजा दो तो मेरे को प्लेस 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 प्ले 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 प्ले। ठीक है गाइस, मैंने यहाँ पे सारे के सारे एप्पल जमा दिए। वैसे भाई इसका प्राइस भी हाथों हाथ सेट कर देता हूँ। रुको भाई, इसका प्राइस सेट करने दो मेरे को। अरे करने दो भाई, क्या? अच्छा कितना, $2 ही सेट है क्या? चलो ठीक है, इसका अपने लास्ट टाइम $2 रखा था और $2 ही सेट है, तो $2 ही रहने देते हैं। अभी अपन ये कचरा फेंक देते हैं डस्टबिन के अंदर थ्रो। ठीक है, अरे यार एक तो इसको फेंकना भी बहुत बड़ी चीज़ है, उठाओ उसको वापस, उठ जा रहे। अब भाई सही से चले आना अंदर की साइड थ्रो। अरे क्या, हाँ चले गया गाइस, फाइनली चले गया। अब अपन चलते हैं। वैसे कहा कि रेड एप्पल, सिर्फ रेड एप्पल रखेंगे अपन अपनी इतनी बड़ी शॉप में तो बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी। तो भी अपन एक काम करते, थोड़े बहुत और प्रोडक्ट मंगवा लेते ताकि भाई मेरी शॉप थोड़ी भरी भरी लगे। ठीक है, तो भी अपन ये अवाकंडो ऐसा करके जो भी सामान है इसको बुला लेते हैं। ठीक है, तो कहा यहाँ पर अपन ने इसका भी ऑर्डर दे दिया है और कार्ट में, अच्छा दो बार दे दिया क्या इसका ऑर्डर? अरे एक बार काटना पड़ेगा मेरे को, अरे यार पूरा ही काट दिया गया। चलो कोई नहीं, अभी अपन वापस से कार्ट में डाल देते हैं और उसको मुझे बुलाना है बाय। ठीक है गाइस, मैंने यहाँ पे उसको बाय कर लिया है, अवाकोंडा करके कोई चीज़ को। अब मेरे हिसाब से वो डिलीवरी मैन आता होगा। अरे भाई कहाँ है डिलीवरी मैन? अरे इसकी डिलीवरी करता कौन है दादा? गाइस मुझे समझ में नहीं आ रहा लिटरली डिलीवरी होती कैसे है, बाकी होगी तो सही मेरे हिसाब से। अरे वापस से कंप्यूटर में चलते, मेरे साथ स्कैम तो नहीं किया इन्होंने? भाई क्या कर रहे हो, मैं साला मंगवा रहा हूँ और भाई आ ही नहीं रहा सामान तो क्या? नेक्स्ट डिलीवरी इन 3 सेकंड। अरे यार यहाँ पे साइड में टाइम लिखा हुआ आ रहा था लेकिन वो उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया और वैसे मैंने 2-3 डब्बे और एक्स्ट्रा मंगवा लिए। चलो कोई नहीं, काम आ जाएंगे भाई, वेस्ट तो नहीं जाने वाले। तो भी अपन इसको फटाफट से जमा देते हैं, उसको अपन फटाफट से जमा देते हैं। ओके, तो गाइस ये अवाकोंडा करके जो भी फ्रूट था वो अपन ने सजा दिया है। अभी अपन ये डब्बा फेंक के उसका प्राइस भी कर देते हैं सेट फटाफट से। अच्छा भाई जमीन पर फेंक दिया यार, चलो छोड़ो, अभी अपन उसका प्राइस सेट कर देते हैं। वैसे 1 सेकंड, अरे मेरी शॉप कैसे क्लोज है? मैं तभी सोचूं कस्टमर क्यों नहीं आ रहे, शॉप ही क्लोज रख रखी है। ओपन करो, ठीक है ओपन कर दिया अपन अपने शॉप को। अब इसका प्राइस सेट कर देते हैं। देखो इसको अपन ने परचेस किया 0.81 में, इसका प्राइस सेट करेंगे 2.59। ओके, तो गाइस इसका प्राइस सेट कर दिया। और वैसे यहाँ पे एक आंटी आई है, मतलब आंटी नहीं दीदी बोलेंगे, दीदी आई है कुछ खरीदने के लिए, क्या अवाकोंडा, ठीक हो अवाकोंडा खरीदने को आई है। और ये डेबिट कार्ड है क्रेडिट कार्ड है कमेंट में बताना भाई, मेरे को नहीं पता। और इसका प्राइस क्या है 0.81 ना, तो अपन 0.81 कर देते हैं। ओके, तो क्या 0.81 कर दिया अपन ने। और वैसे ये दो एप्पल खरीदना चाहता है, कितना भाई प्राइस? $4। ओके ले जा भाई तू भी। और कोई आ रहा है क्या कि उठूँ मैं यहाँ से? वैसे एक और आ रहा है भाई, बैठ जाता हूँ यहाँ पे, आता ही होगा वो। ओके कितने एप्पल लेगा? और भाई दो एप्पल लिए एक अवाकोंडा लिया, तो अभी एक इसका प्राइस हो गया 6.59। ला भाई दे दे 6.59। ओके, तो कहा यहाँ पे 3 कस्टमर आ गए, तीनों ने एकदम खतरनाक आइटम लिया। वैसे चौथा भी आ गया भाई, अगर यहाँ पर अपन एक कैशियर लगा देंगे ना मजा आ जाएगा, मेरे को यहाँ पे कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कैशियर के लिए अपने को अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा जो कि अभी अपने पास है नहीं। वैसे कहा यहाँ पे एक कस्टमर आया जिसने मेरे को $30 दिए, इसका टोटल प्राइस बना है $7.80, यानी अपने को उसको 22.82 उसका चेंज देना है। तो अभी अपन 20 देते हैं, फिर अपन देंगे 2, ठीक है 2 दे दिए। अब अपन 82 दे देते हैं, 50, 10, 10, 10, 1, 1। ओके, तो गाइस यहाँ पर अपन ने उसको चेंज दे दिया भाई, एकदम मैक्स के खिलाड़ी हैं हम। और वैसे 3 एप्पल लेने आई है, $6 ले भाई, कितना चेंज दूँ? 2 ना, 1, 2 ले जा। ठीक है गाइस, वहाँ पे आप देख सकते हो कस्टमर आ जा रहे खरीद रहे हैं, भाई मेरी शॉप एक नंबर चल रही है। और इसको $0.50 देने मेरे को, अरे 0.50 कैसे दूँ? अरे भाई ये 0.50 कैसे देते हैं गाइस? ये 0.50 का तो ऑप्शन ही नहीं यहाँ पे, ये 1 दे सकता हूँ। अच्छा 1, ओके ये ऐसा हो जाएगा, तो भी अपन 50 कर देते हैं डायरेक्ट। वैसे भाई इसको रीसेट करता हूँ 1 सेकंड। हाँ अब 50 करके ले भाई ले जा। और वैसे ये अवाकोंडा लेना ही है, ला कितना प्राइस है इसका? 2.59 ना, ले 2.59
तू भी ले जा। उसे एक और अंकल आया क्या, अवाकोंडा 2.59। कितने लिए इसने? अच्छा दो लिए क्या? अच्छा एक ही लिया है, बाकी इसने मेरे को $4 दिया है। भाई जब एक ही लेना था तो 2.59 दो ना यार, तरह चेंज लेने आ जाते हैं। ले 1 और 25, 10, 5, 1 ले जा भाई। ओके गाइस, अब आप देख सकते हो क्या मैक्स जमाई है मैंने और सब कुछ बेच दिया ऑलमोस्ट। यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरी रैक खत्म हो चुकी है भाई, सब बेच दिया यार मैंने लिटरली, क्या काम करता हूँ मैं। और वैसे यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो $77.97 हो चुके, यानी अपनी शॉप बढ़ रही है और स्टोर का लेवल 2 भी कम्प्लीट होने वाला है। 1 तो हो गया, 2 भी कम्प्लीट होने वाला है। इतना खतरनाक लेवल चल रहा है अपनी शॉप का। तो भी अपन कंप्यूटर में चलते और देखते हैं कि मैं एम्प्लॉय कैसे हायर कर सकता हूँ। अगर मैं कर पाऊंगा ना मज़ा आ जाएगा, लेकिन उसके लिए देखना पड़ेगा कितना पैसा लगेगा। देखो रिक्वायर स्टोर लेवल 4 गाइस, यहाँ पे अपने को एम्प्लॉय हायर करने के लिए 4th लेवल चाहिए और अभी अपन 2nd लेवल पे। यार अभी तो नहीं कर पाऊंगा मैं, मतलब टाइम ही लगेगा यार एम्प्लॉय हायर करने के लिए। चलो कोई नहीं, अभी अपन लाइसेंस में चलते। लाइसेंस में अपने को लाइसेंस लेना पड़ेगा क्या? ये कौन कौन से आइटम में लाइसेंस लेना पड़ेगा? फ्लोर पे, शुगर पाउडर पे, अच्छा इन सारी चीज़ों पे लेना पड़ेगा, लेकिन ये रेड एप्पल इन सब में तो मैंने देख के रखा है। चलो ठीक है। और इसके अलावा गाइस यहाँ पे ग्रोथ में सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, यानी अपन अपनी शॉप को एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ पे जगह कम पड़ेगी ना तो अपन इसको बढ़ा के यहाँ पे और शेल्फ लगा सकते हैं, इसको एकदम सुपर मार्केट बना सकते हैं, बड़ा सा मार्केट बना सकते हैं। तो वो अपन बाद में बनाएंगे, अभी तो भाई इतना पैसा ही नहीं है। अभी अपने को पैसा कलेक्ट करना है, उसके लिए अपने को बहुत सारा प्रोडक्ट मंगवाना पड़ेगा। तो भाई प्रोडक्ट में थोड़ा महंगा वाला मंगवाऊंगा, क्योंकि भाई सस्ते वाले बहुत जल्दी बिक जाता है और इतना अच्छा प्रॉफिट भी नहीं होता। तो ये जो पीनट बटर है ना, इसका प्राइस अच्छा खासा है। तो भाई अपन इसके 3 डब्बे मंगवा लेते हैं, 3 डब्बे। ठीक है गाइस बाय। तो गाइस यहाँ पे अपन ने 3 पैकेट्स मंगवा लिए इसके और 30 सेकेंड में यहाँ पे डिलीवरी हो जाएगी। तो भी अपन थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, वापस से चलते हैं कंप्यूटर में और देखते हैं भाई और क्या क्या ऑप्शन है बैंक में। बैंक में गाइस यहाँ पे अपन, अच्छा यहाँ से पैसे उठा सकते हैं भाई, लोन वोन नहीं उठाएंगे यार। लोन वोन उठा लेते हैं ना ब्याज हो जाता है, चूँकि मेरे को चाहिए नहीं तो बैंक तो छोड़ ही दो। अभी अपन इधर ही देखते हैं इधर क्या क्या आइटम्स है भाई। यहाँ पे लिटरली लेमन भी, और गाइस यहाँ पे अपनी डिलीवरी आ चुकी है, फटाफट से बाहर चलते हैं ये उठाते हैं। वैसे भाई तीन डब्बे क्यों आए रे? मैंने तो एक ही डब्बा मंगवाया था। अच्छा अपने लास्ट टाइम भी मंगवाया था ना, वो भी आ चुका है। ओके फिर अपन एक काम करते हैं, इस वाली रैक में रख देते हैं। उस वाली रैक में तो अपन फ्रूट रखेंगे, इस वाली रैक में ये वाला आइटम डाल देते हैं ओपन। ठीक है प्लेस कर देता हूँ फटाफट से सारे का सारा आइटम। और वैसे कहा ये एकदम डब्बे टाइप में आया, और वैसे भाई सही तरीके से अपन ने इसको प्लेस कर दिया। अभी अपन इस वाले डस्टबिन में डाल देते हैं। ओके डस्टबिन में डाल दिया, अब अपन इसको उठाते हैं। उठा दो भाई, अरे उठ जा यार प्लीज़, उठ जाया करो टाइम पे, अरे उठ जा। हाँ ठीक है कैसे उठा लिया। अभी अपन फटाफट से इसको रख देते हैं अपनी नई वाली रैक में, रखने दो भाई इसको प्लेस 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 प्लेस। ठीक है गाइस यहाँ पे अपन ने सारे के सारे डब्बे कर दिए प्लेस। और वैसे भाई वो क्या है, मैं उसका नाम भूल गया, अच्छा पीनट है ना। ओके गाइस पीनट था वो, मैं भूल गया था मैंने पीनट मंगवाया था। पीनट अपन ने सजा दिए, और वैसे ये एनाकोंडा करके जो भी फ्रूट है इसको भी रख दो भाई। ये एनाकोंडा नहीं है, इसका दूसरा नाम है, लेकिन भाई मेरे को इसको एनाकोंडा बुलाने में मज़ा आता है, इसलिए मैं इसको एनाकोंडा बुला रहा हूँ, इसको एनाकोंडा ही बुलाऊंगा। हाँ भाई अच्छा लगता है नाम एनाकोंडा। तो ठीक है, तो गाइस यहाँ पे अपन ने सारे के सारे एनाकोंडा जमा दिए। वैसे भाई एक सेकेंड, मेरे को पीनट बटर का ना प्राइस सेट करना है, मैंने उसका प्राइस सेट नहीं किया। कस्टमर्स आए जा रहे हैं और भाई उसको कम प्राइस में परचेस कर लेंगे। अरे एक सेकंड रुक जाओ रे दादा मेरे, इसका प्राइस सेट करने दो भाई। इसको मैं 1.76 में बेच रहा हूँ। नहीं 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 अभी अपन इसको बेचेंगे 3.80 में। ठीक है गाइस 3.80 अपन ने प्राइस सेट कर दिया अब। और वैसे भाई यहाँ पर आप देख सकते हो 4 कस्टमर वेट कर रहे हैं, फटाफट से यहाँ पे अपन खड़े होते हैं, इनका पीनट बटर स्कैन करते हैं। और वैसे भाई अभी तो अपन को उनको 1.76 में बेचना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने पहले प्राइस सेट किया नहीं था। चलो कोई नहीं अभी तो अपन बेच देते हैं। और वैसे एक सेकंड को, अभी अपन को इस प्राइस में नहीं बेचना है ना, तो एक काम कर सकते हैं शॉप एक बार क्लोज करके वापस ओपन कर लेते हैं। हाँ ये कर सकता हूँ, लेकिन भाई इसको तो बेचना ही पड़ेगा। हाँ इसको भेज देते हैं। ठीक है इसको भेज दिया, लीव चेकआउट। ओके गाइस मैंने यहाँ पे लीव कर दिया। अभी अपन एक सेकंड के लिए अपनी शॉप कर देते हैं क्लोज, क्योंकि भाई अपन ने इसका जो प्राइस बाद में सेट किया ना, इसके वजह से वो लोड नहीं हो पाया, इसको लोड करना अपने को। तो यहाँ पे अपन ने अपनी कर दी शॉप क्लोज, अब मेरे हिसाब से चले जाएंगे। अरे भाई जाओ यार, कसम से मेरे को लग रहा है तीनों के तीनों बदतमीजी जाने का नाम नहीं ले रहे, इनको उठा के पटकना पड़ेगा। अरे चले जाओ भाई, शॉप ही क्लोज कर दी। एक सेकंड गेट ही बंद कर देता हूँ, अब देखता हूँ। अरे गेट किस क्लोज़ होगा? अच्छा गेट नहीं हो सकता क्या क्लोज़? कहा यहाँ पे गेट क्लोज़ नहीं हो सकता, यानी मेरे को उनके जाने का वेट करना पड़ेगा क्या? अरे प्लीज़ चले जाओ यार भाई, क्यों नाटक कर रहे हो? गाइस मेरे को उनको ना 1.79 पे बेचना पड़ेगा, जो अपन ने गलती से पहले प्राइस सेट कर दिया था। चलो ठीक है यार बेच देते हैं, अब हो गई गलती, बाद में नहीं दोहराएंगे। अभी अपन इसको बेच देते हैं 3.52। डन, इसको बेच दिया। ले तू भी खरीद ले भाई,
इतने में खरीदेगा 1.76। ठीक है गाइस, एक ही पैकेट परचेस किया इसने, तेरे कितने पैकेट परचेस किए, इसने भी एक ही परचेस किया। ओके तो इसको अपने को चेंज देने 48। अरे भाई $50 दिए साले ने मेरे को, 1.76 का खरीदा, $50 दे रहा है बापड़ा, क्या ही बंदा यार ये। चलो कोई नहीं, इसको एक काम करते, 20-20 के दो नोट देते हैं, और एक देता हूँ मैं 5 का, उसके बाद अपन देते हैं 3 1 2 3 1 3 के दिए अपन ने, मतलब 3 के 1 दिए अपन ने, मतलब 1 के 3 दिए यार, क्या बोल रहा हूँ। और अभी अपने को 24 और देना ना, तो 24 देने के लिए अपन 10 10 1 2 3 4। ठीक है गाइस, यहाँ पर अपन ने इसको ऑलमोस्ट चेंज दे दिए भाई, इतने सारे चेंज हो चुके हैं, तो ओके कर देते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अपन ने ऑल कस्टमर्स को सामान दे दिया है, और वैसे यहाँ पर अपनी लेवल 2 भी होने वाली है कंप्लीट, 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर अपनी लेवल 2 भी हो जाएगी कंप्लीट, और वो जैसे ही लेवल कंप्लीट हो जाएगी मैं लेवल 3 पे आ जाऊँगा, और फिर अपने को वापस से मेहनत करके लेवल 4 पे जाना है। मैं जैसे ही लेवल 4 पे पहुँच जाऊँगा मैं एम्प्लॉय भी हायर कर पाऊँगा। चलो बढ़िया, तो भी अपन कोशिश करते हैं कि अपनी लेवल 2 हो जाए, अपनी मतलब लेवल 3 हो जाए, जैसे ही लेवल 3 हो जाएगा भाई मज़ा ही आ जाएगा। तो अभी अपन थोड़ी देर वेट करते, वैसे एंड डे आ गया तो इस पर क्लिक करता हूँ मैं। ओके अच्छा एंड डे होता है तो वापस से सुबह हो जाती है। ओके, और वैसे भाई यहाँ पे अपनी शॉप वापस से क्लोज हो गई, तो इसको कर देते हैं ओपन, यानी जैसी रात होती है ना अपनी शॉप क्लोज हो जाती है, इसको बार बार अपने को ओपन करना पड़ता है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे अपन ने अपनी शॉप कर दी क्लोज, और मतलब ओपन, और वैसे भाई ओपन करते से यहाँ पे एक कस्टमर आया पीनट बटर लेने के लिए, तो बात करते इससे, स्कैन करते इसका आइटम, ले स्कैन कर दिया, कैश दे रहा है पैसा, कितने चेंज देने 96.20 भाई, $3.80 का सामान परचेस किया, दे रहा है $100। अरे बापड़ा है क्या, पागल है क्या तू, कितने चेंज दूँ यार भाई, मेरे पास चेंज खत्म हो जाएंगे यार कसम से, चेंज दे दे के मैं थक जाता हूँ। ले यार अब ले ले भाई, क्या ही बोलूँ अब, इसको दिमाग तो है नहीं इसके अंदर, ले ले जा। वैसे यहाँ पे एक लड़की आई है, तुम साला चेंज लेके आना, बता रहा हूँ मैं नहीं दूंगा चेंज वेंज। देखो $2.59 का सामान खरीदा, $30 दे दिए, इसको मेरे को 27.41 का चेंज देना है। भाई भाई गजब लोग आ रहे हैं यार, अब गुस्सा आ रही है इन सब लोगों पे। चलो कोई नहीं, अब देना ही पड़ेगा भाई, दुकान खोली है तो ले ले जा। गाइस पूरा चेंज खत्म हो जाएगा अब तो मेरे को ऐसा लग रहा है। वैसे चलो बढ़िया, ये कार्ड वाले, ये कार्ड वाले आते हैं ना ये बढ़िया लगते हैं, इनको चेंज नहीं देना पड़ता, ऑटोमेटिकली अपना ट्रांजेक्शन हो जाता है। चलो बढ़िया, उसको अपन ने सामान दे दिया। और वैसे भाई अधिकतर मैं देख रहा हूँ कस्टमर आ रहे पीनट बटर वाले, भाई पीनट बटर वाले एक नंबर कस्टमर है, तो अपन इनको दे देते पीनट बटर। और वैसे भाई ऑनलाइन वाले एक नंबर लगते हैं मेरे को, ये भी आया ऑनलाइन वाला, आई लव यू ब्रदर, ले जा भाई सामान, मैं तेरे को डिस्काउंट भी दे सकता हूँ, लुको मैं इसको डिस्काउंट दे देता हूँ, अच्छा नहीं दे सकता क्या, चलो कोई बात नहीं। और वैसे भाई दो दो ले जा रहा है, ले ले जा। और वैसे ये भी कार्ड लाया 7.60, डन गाइस, अपन ने इसको भी भेज दिया। और वैसे भाई कस्टमर आया जा रहे एक सेकंड के लिए, तो रुक जाओ। और वैसे लिटरली गाइस मैं यहाँ पे 15 मिनट से लगा हुआ था, कस्टमर को सामान दिए जा रहा था भाई, कस्टमर रुक ही नहीं रहते। और बताए कस्टमर कब रुके, जब रैक में सामान खत्म हो गया, यानी कस्टमर जब तक नहीं रुकते तब तक सामान नहीं खत्म हो जाए, भाई इतने सारे कस्टमर आ रहे थे। और इससे पता है मेरे को क्या फ़ायदा हुआ, पहले तो पैसे बढ़ गए मेरे पास, $106 हो चुके हैं, और तो और मेरी लेवल भी अपग्रेड हो गई, मैं बोल रहा था ना लेवल 2 है, अब लेवल 3 हो गई, और लेवल 3 भी पार होने वाली है। लेकिन लेवल 3 को पार करने के लिए अभी अपने को और सामान मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि अभी अपन नहीं मंगवाने वाले, क्योंकि भाई आज के लिए इतना काफ़ी, आज अपन ने बहुत मेहनत कर ली, और अभी अपन अगली मेहनत नेक्स्ट टाइम एम्प्लॉय को जब हायर करेंगे तो उसको समझाने में लगाएंगे। तो गाइस अगली बार पक्का मैं एक एम्प्लॉय हायर करूंगा।